अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ रिजिक्स टेबलेट्स के मुतालिक शेयर करना चाहता हूँ कि रिजिक्स टेबलेट्स बेसिकली है क्या चीज़, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, इसकी यूजेस क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, साथ साथ रिजिक्स टेबलेट्स का डोज क्या होता है, यानी दिन में हम रिजिक्स कितनी दफ़ा देख सकते हैं, और साथ साथ वीडियो के एंड में आप लोग को ये बताऊँगा कि अगर आप इसे कोई रिजेक्ट टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल इन्फोमेट्स को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि रिजिक्स टेबलेट्स की जो कंपोजिशन है ये सिट्राजिन है। सिट्राजिन है क्या चीज़? बेसिकली सिट्राजिन एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जो हम मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नज़ला है, ज़ुकाम है, ख़ारिश है, या इस किस्म के और जो एलर्जी होते हैं, इन तमाम को ख़त्म करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी एलर्जिक का एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं कि रिजेक्ट हम किन किन हालातों में दे सकते हैं। सबसे पहले रिजेक्ट हम सीजनल एलर्जी में दे सकते हैं, यानी वो लोग जिनको एक मखसूस मौसम में किसी किस्म की या किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो इन कंडीशन में हम रिजेक्ट की जो टेबलेट्स है हम मरीज को दे सकते हैं, या वो लोग जिनको नज़ला होती है, या उनको ज़ुकाम की शिकायत होती है, या उनकी आंखों से पानी आता है, या उनकी आंखों में ख़ारिश होती है, या उनकी आंखों में इरिटेशन होती है, तो इन तमाम कंडीशन में हम रिजेक्ट की टेबलेट इस्तेमाल करके दे सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, या कोई चीज़ उसको काटता है तो वहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, वहाँ पर ख़ारिश आ जाती है, तो इस किस्म की एलर्जी को ख़त्म करने के लिए भी हम रिजेक्ट की टेबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को स्किन की एलर्जी है, वहाँ पर खुजली है, वहाँ पर ख़ारिश है, या इरिटेशन ज़्यादा है और ख़ारिश की वजह से उस जगह में रेडनेस भी ज़्यादा है, तो इस किस्म की कंडीशन के लिए भी रिजेक्ट की टेबलेट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिनको बार बार छींकी आती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हम रिजेक्ट की टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थे रिजेक्ट टेबलेट्स के मुताबिक कि किन किन हालातों में हम रिजेक्ट टेबलेट मरीज को दे सकते हैं। आ जाते हैं कि अगर आप में से कोई बंदा रिजेक्ट की टेबलेट इस्तेमाल करता है तो इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले ऐसे मरीजों को नींद आ सकती है, और साथ साथ गनूदगी भी हो सकती है, सर चकराने की भी शिकायत हो सकती है, और साथ साथ उसके सर में भारीपन भी हो सकता है, उनको की शिकायत भी हो सकती है, उनको मतली की शिकायत भी हो सकती है। वाजह है कि किन किन मरीजों को हम रिजेक्ट की टेबलेट नहीं दे सकते हैं। वो फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी की हालत में रिजेक्ट की टेबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं, तो इस सूरत हाल में भी वो रिजेक्ट की टेबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या वो लोग जो भारी मशीनरियों पर काम करते हैं, तो इस सूरत हाल में भी ऐसे लोगों को रिजेक्ट की टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी रिजेक्ट टेबलेट के मुताबिक कि रिजेक्ट है क्या चीज़, किन किन हालातों में मरीज को दे सकते हैं और किन हालातों में नहीं दे सकते हैं, और साथ साथ इसके डोज और साइड इफेक्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।